सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज नए वर्ष के लिए भी बाबा हमें प्रेरणाएं दे रहे हैं। मुरली में क्या करने के लिए बोला आज बाबा ने? टास्क दे रहे हैं ना बाबा, तो टास्क मास्टर है बाबा का, तो काम ही टास्क दे रहे हैं। क्या टास्क दे रहे हैं आज बाबा? तो आज सबसे पहले जो बात समझेंगे वो ये कि लक्ष्य और लक्षण समान करना तो ठीक है, लेकिन पहले तो लक्ष्य धारण हुआ है, क्योंकि आज बाबा ने हमें लक्ष्य कहा कि हर बच्चे का जो संकल्प है, लक्ष्य है, वो यही है कि हम आकारी सो निराकारी, ब्रह्मा बाप समान सो शिव बाबा समान बने। लेकिन क्या ये लक्ष्य है ना? क्योंकि देखो दुनिया में भी जैसे कोई टारगेट रखते हैं, कोई लक्ष्य रखते हैं, तो रोज़ अपनी प्रोग्रेस चेक करते हैं कि हम कितना टारगेट के नज़दीक पहुँचे हैं। तो क्या सच में हमारा ये जो लक्ष्य है ये इतना इमर्ज रूप में रहता है? क्योंकि कई बार वैसे पूछो कि हाँ क्या लक्ष्य है बाप समान बनने का, तो कहेंगे हाँ लक्ष्य तो है, लेकिन लक्ष्य तो है या लक्ष्य है, है ना? लक्ष्य है वहाँ, मतलब पूरा स्ट्रिक्टली है, वो हमें विचार करना है। क्योंकि बाबा ने हमें एक नियम दिया है कि लक्ष्य से लक्षण आते हैं, तो लक्ष्य लक्षण समान करने के सब्जेक्ट तो नेक्स्ट है, लेकिन जहाँ लक्ष्य ही ढीला है वहाँ तो लक्षण पर कितनी भी क्लास करो, है ना, कुछ नहीं होना है। इसीलिए ये जो लक्ष्य है पहले हम अपने आप को पूछें, क्योंकि एक बार ऐसे देही अभिमानी बनने की पूरी क्लास हुई, एक कोर्स की बात बता रही हूँ, तो सोल कॉन्शियसनेस पे पूरी क्लास कराई उस भाई को। फिर अंत में पूछा, कुछ क्वेश्चंस पूछे तो क्या कुछ भी जवाब नहीं दिया, तो मैंने कहा सुन नहीं रहे हो आप, तो मुझे कहता है मेरे तो शरीर में बीमारी है, मैं उसके लिए आया, आप मुझे सोल कॉन्शियसनेस सिखा रहे हो, मेरे को सोल कॉन्शियस नहीं होना है। तो मैंने कहा नहीं, वो बीमारी ठीक करने के लिए यही विधि है। तो कहते वो मेरी समझ में अभी नहीं आ रहा है, मुझे अभी ये नहीं सीखना है। मुझे सोल कॉन्शियस नहीं होना है। तो लक्ष्य ही जब धारण नहीं करेंगे तो सुनाई भी नहीं देगा, लक्षणों की बात ही नहीं आएगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि अभी वर्तमान हमें जो समझना है वो ये कि अब इस पुरानी दुनिया में जो हमें भटकने की ढूंढने की आदत है वो ख़त्म कर फरिश्ता सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है, उसी दुनिया में सब कुछ मिलेगा। तो बाबा कहते हैं हम वापस जाएं, उसके लिए निराकारी बनना है और फरिश्ता बन देवता बनेंगे, तो आकारी बनने पर भी हमें अपना अटेंशन देना है। तो ये पहले लक्ष्य पक्का करना है और उसके बाद मुरली पढ़नी है, ठीक है ना? तो पहले लक्ष्य को हम पक्का करें कि यही मेरा लक्ष्य है, फिर लक्षणों की बात आती है। फिर बाबा कहते हैं कभी कभी समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण और समस्या प्रमाण भी हम सोच लेते हैं कि हाँ मुझे अपने लक्षणों को ठीक करना है या निराकारी आकारी बनना है, लेकिन वो नेचुरल नेचर के रूप में हमेशा इमर्ज रहे। जैसे नेचर जो होती है वो अपने आप काम करती रहती है ना, ऑटोमेटिक, ऐसे हमारे अंदर आकारी सो निराकारी के लक्षण आए, वो हमें बनाना है, वो हमारा टारगेट है। अब बाबा आज हमें कहते हैं कि आकारी सो निराकारी बनने में जो मुख्य चैलेंज है वो है निरंकारी बनना। निरंकारी में देही अभिमानी, निरंकारी माना आज बाबा कहते देही अभिमानी बनना।
अब बाबा कहते हैं ये जो देह अभिमान है, सबसे पहले तो मोटे रूप का देह अभिमान होता है। अब मतलब अगर हम चेक करना चाहें ना कि देह अभिमान मोटे रूप का है या नहीं, तो जब आप मैं कहते हो तो बॉडी की इमेज आती है पहले। मैं कहते हैं अभी भी तो शरीर की इमेज बुद्धि में आती है ना, तो माना अभी मोटे रूप का देह अभिमान भी छूटा नहीं है, समझे? अगर मैं संकल्प में मैं आया या बोल में मैं आया, तो बॉडी की इमेज अगर बुद्धि में आती है तो फिर वो मोटे रूप का देह अभिमान भी छूटा नहीं है। अभी भी ये शरीर के भान में फंसे हुए हैं। अब बॉडी की इमेज को अगर बुद्धि में हम कैरी करते हैं, तो बॉडी का रंग रूप, कद काठी, आयु, हेल्थ का स्टेटस हमारे पे प्रभाव ना डाले, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? और आज बाबा जो बातें कर रहे हैं ना, वो बहुत सूक्ष्म बात कर रहे हैं, बहुत सटल चीज़ें हैं ये, कि किस प्रकार आकारी और निराकारी से नीचे आने की हमें आकर्षण इस तरफ खींच होती है, क्योंकि हमारे अंदर ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो अगर हम, जैसे मैं कई बार वो हंसी की बात बताती हूँ ना, कि एक भाई जो था वो कहता था कि बहुत भोला सा है, तो कहता था कि मैं जब रात को सोता हूँ योग करके, तो आत्मा बिंदु बन के बाबा के पास जाके बैठ जाता हूँ, और फिर वहाँ पर बैठे बैठे सोचता हूँ अरे मैं तो निकल आया, मेरे शरीर को कोई मार देगा तो वो तो बेचारा अकेला पड़ा है नीचे, तो मैं फिर अपनी बॉडी में आके ही ना सोता हूँ, फिर मेरे को टेंशन हो जाती है वहाँ पे, है ना? तो आप सोचो कि हम आकारी निराकारी में कंफर्टेबल कैसे होंगे, जब हमें शरीर का भान इतना खींचता है ना? कई ऐसे होते हैं जैसे कहेंगे कि हम बिल्कुल ना आज अशरीरी हो गए थे, बिल्कुल अशरीरी हो गए थे, तो खुशी की बात है ना, फिर इतनी टेंशन क्यों हो रही है? क्योंकि अशरीरी बनने में भी टेंशन होती है। बॉडी की याद ना आए ना कुछ देर, तो भी स्ट्रेस होने लगता है, क्योंकि इतना भान है शरीर का, है ना? तो निराकारी आकारी स्थिति में स्थित रहने के लिए ये जो लगाव है शरीर से, आप सोचो कि निराकारी आकारी स्थिति माना आप बुद्धि से शरीर को फील नहीं कर रहे, पर हम, हमारी एक टेंडेंसी है, यू वॉन्ट टू फील योर बॉडी ऑल द टाइम, माना आपको वो भूलना कंफर्टेबल नहीं लगता, है ना? जैसे मुझे एक बार भाई एक मेडिटेशन कमेंट्री कराई थी मैंने, कि जैसे शरीर है तो उस पे जो भी कुछ है ना, जो लेबल है, टाइटल है, पोजीशन है, तो आप इमेजिन करो कि आपके रूम पे खूंटे बंधे हुए हैं, है ना? हुक्स हैं साइड में, और आप एक एक चीज़ उतार के उस हुक पे रखते चले जाते हो, है ना? फिर लास्ट में आप बॉडी को भी उतार कर उस हुक पे रख दिए और अकेली आत्मा बैठे हो। तो एक भाई कहते हैं बहुत ऐसे ना टेंशन सी, ऐसे इनसिक्योर सा लगता है कि बॉडी भी चली गई, अब मैं सिर्फ आत्मा हूँ। तो उस स्टेट में हमेशा रहने के लिए देह का जो ये अभिमान है मोटे रूप का, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर किसी और के शरीर के प्रति भी अटैचमेंट है, तो फिर जैसे अपना शरीर नहीं होगा तो उसके साथ भी संबंध का कनेक्शन फील नहीं होगा, क्योंकि सब तो फिजिकल है ना, तो वो चैलेंजेस भी आते हैं। प्रोसेस क्या है इसका? योग से ही हम बुद्धि से, चेंज बुद्धि से, जैसे बुद्धि से शरीर को भूलना, तो मानो आप 10 मिनट शरीर को भूल कर बैठे बुद्धि से, फिर आपको टेंडेंसी होती है कि हम शरीर को याद करें,
इच्छा होती है ना कि स्केरी स्केरी हाँ, मतलब ऐसा लगता है ना, अगर आप ट्राई करेंगे तो अगर शरीर का भान है तो लगेगा कि कितनी देर से शरीर को फील ही नहीं किया है ना, शरीर को बुद्धि में लाया ही नहीं, तो फिर से उस शरीर को के भान को लाने की टेंडेंसी आती है। अगर मोटे रूप का देह अभिमान है, देह भान है, देह भान या देह अभिमान जब होता है ना, तो जैसे आज बाबा ने कई एस्पेक्ट समझाए, जिस भी चीज़ का आपको भान या अभिमान होगा ना, उसकी तरफ आपकी आकर्षण होगी, ये निशानी होती है। आकर्षण माना आपकी बुद्धि दोबारा उस तरफ जाएगी, है ना। जैसे मान लो, जैसे अभी मोटे रूप से बाबा ने कहा, तो मोटे रूप से यदि आप शरीर को भूल कर बैठेंगे बहुत देर, तो आपकी बुद्धि जाएगी कि मैं बहुत देर शरीर को भूल के बैठा हुआ हूँ, फिर शरीर याद आएगा। या किसी और की देह को बहुत देर भूल जाएंगे तो लगेगा जैसे कुछ गलती हो रही है ना, उसकी देह को भी बहुत देर से याद नहीं किया। समझ पा रहे? ये शरीर के भान की लक्षण है, देह भान। अशरीरी होने की विधि है कुछ? अशरीरी होने की विधि है माना आप सिर्फ मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूँ, इसको होल्ड करें, होल्ड दैट थॉट, है ना। तो जब आप उसको होल्ड करते हैं, आपको चैलेंज क्या आता है? हाँ, वो जो ठीक नहीं है ना, वो जो चैलेंज आता है कि फिर से आपको अट्रैक्शन होती है कि बहुत देर हो गई है ना, बस आत्मा सोच रहे हैं। एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, मैं बैठा हूँ ऑफिस में, हाँ बैठा हूँ मैं बिंदु रूपी आत्मा हूँ, तुरंत एक सिचुएशन आती है तब भूल के। तो वो आ वही है, वो जो आप पुल्ड होते हैं ना, आप वो जो मेहनत फिर से करने की आपको वो ताकत नहीं आती, दैट इज देह भान, है ना। तो वो जो अशरीरी होने में या आत्मा या फरिश्ता ड्रेस पहन के रहने में आपको जो पुल होती है, जब कोई ट्रिगर होता है या नहीं होता है, चाहे अपने संकल्पों से वो पुल क्रिएट होती है, चाहे कोई ट्रिगर होता है, लेकिन वो जो पुल होती है कि मैं फिर से बॉडी कॉन्शियसनेस में जाऊं, दैट इज देह भान, है ना। ये बहुत सूक्ष्म है, इसको समझो, है ना। वरना आत्मा क्यों अशरीरी या फरिश्ता ड्रेस में क्यों नहीं सारे दिन रहते? क्योंकि वो जितना देह भान है उतनी उसको उस तरफ वो खींच होती है ना, जितनी होती है उतना देह भान है, उतना देह इसको अभिमान भी है। रोकना है। हाँ, लेकिन वो जो अभ्यास है, वो अभ्यास भी हम क्यों नहीं करते, दैट इज द क्वेश्चन। वो जो अभ्यास, देखो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप अभ्यास करेंगे तो होगी नहीं, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है? सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने से क्यों नहीं होगी? पर प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में वो अट्रैक्शन होती है, वो पुल होती है, और हम भी उसमें एंगेज करते हैं और हम उसमें रस लेते हैं, है ना। हम उतना अभ्यास नहीं करते हैं क्योंकि हमें उस जोन में रहना अच्छा लगता है, हमें देह के भान में रहना कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है ना। तो ये जो है, अब जब प्रतिकूल कुछ होता है, जैसे शरीर में रोग है, दर्द है, तब तो आप उससे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन जब शरीर से आप आसपास सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, तब आप देह भान से परे नहीं रहना चाहते। तो ऑल दैट इज, अब ये जो सेकंड चीज आज बाबा समझा रहे हैं ना, कि अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा। हमें जब कोई चीज अच्छी होती है तो हम उसकी तरफ खींचना चाहते हैं, हम उस तरफ खींचते हैं, उसमें एंगेज करते हैं, फिर वही चीज़ कल हमें दुख भी देगी। जैसे आज बाबा कहते हैं कि मानो मोटे रूप का भी देह भान नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप का है, मुझे बुद्धि का अभिमान है, किसी विशेषता का अभिमान है। अब मानो मेरे को विशेषता का अभिमान है कि मेरे को पॉलिटिक्स की बहुत ज्ञान है, मान लो, है ना, कि मेरा ये महारत है। अब चार लोग जब बातें कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, तो मेरे को चुप रहना
ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को तो वो दे भान है ना, तो मेरे को खींच क्या होगी, मैं भी अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो दे ही दूँ। फिर मैं बोलूँगी बोलूँगी, फिर जब वहाँ झगड़ा होगा, डिबेट होने लगेगी, तब मैं कहूँगी नहीं, मुझे ना न्यारा हो जाना चाहिए, बाबा ने कहा है ना विस्तार में नहीं जाना है। तो उसके जब इल इफेक्ट्स आने लगते हैं, जब उसका, जब उसमें कोई बुरी चीज़ आने लगती है, तब हम चाहते हैं न्यारा होना। लेकिन जो हमारे अंदर है, जब उसका फ़ायदा नज़र आता है, तो हम उसकी तरफ पूरा इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन नियम ये है कि जो चीज़ आपको खींच के, माया क्या करती है, माया पहले कहती है यहाँ फ़ायदा है, यहाँ जा, है ना। माया कहती है न्यारा प्यारा अभी रहने का समय थोड़ी है, अभी तो सब ऐसे बातें कर रहे हैं, अभी तो न्यारा प्यारा क्यों रहेगा, तो सबसे अच्छा बोलता है, चुप क्यों रहेगा, बोल बोल, है ना। फिर जब बोलने के बाद जब तंग हो जाते हैं बोल के, तब कहते हैं नहीं ये ना माया के चक्कर में आ गए हम, यहाँ हमें बोलना नहीं था। तो जहाँ अट्रैक्शन होगी, कुछ देर के बाद आपको रिपल्शन भी होगी, कुछ देर के बाद आपको विकर्षण भी होगी। लेकिन विकर्षण के समय तो हमें दूर रहना अच्छा लगता है, जब आकर्षण होती है हम खींचते हैं। और ऐसे हमारे अंदर बहुत सारे देहभान हैं, बहुत सारे देह अभिमान है ना। जैसे आज बाबा ने कहा किसी के अंदर कोई कलाएं हैं, है ना। तो अब जब कोई कला है, मानो मेरे अंदर खाना बनाने की कला है, तो मुझे देहभान क्या आएगा कि मैं खाना बनाऊं और उसमें लिपाईमान भी हूँ, उसमें उसको रिलिश करूं, एंजॉय करूं, है ना। लेकिन फिर जब उसी भोजन की कोई निंदा कर दे कि आज ठीक नहीं बना, तो मुझे लगता है नहीं मुझे इस मान अपमान से परे जाना है। लेकिन मान अपमान से परे कैसे जाओगे, तुम तो उसमें मान ढूंढ रहे थे ना। जो चीज़ आपको मान देती है वो अपमानित तो फील कराएगी, लेकिन जब मान मिल रहा होता है तब न्यारा नहीं होना अच्छा लगता, तब लगता है अभी तो मान मिल रहा है। और ऐसा थोड़ी है कि कोई खैरात की थोड़ी मेरी अपनी विशेषता है, उसका मान मिले तो क्या प्रॉब्लम है ना। तो अपनी विशेषता का मान मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, हमारा रुझान होता है उस तरफ। फिर जब अपमान मिलता है तो हम कहते नहीं हमें विशेषता इसमें चक्कर में नहीं पड़ना होता, लेकिन तब तक तो हम पढ़ चुके हैं। और हम यही खेल सारे दिन करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो आकारी सो निराकारी स्थिति, जो सुखदाई स्थिति है ना, उससे माया हमें नीचे कैसे खींचती है, फेवरेबल चीज़ दिखा के, है ना। तो जिस चीज़ का हमें भान है कि ये तो मैं अच्छा करता हूँ, मैं उसमें खींच जाता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ पे कंपैरिजन शुरू हुआ, क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, है ना। अब मानो आप घूम कर आए, है ना, तो आपको आएगा कि मैं भी फ़ोटो डालूं, है ना, दो चार लाइक तो आएंगे, है ना। फिर आपने फ़ोटो उस आकर्षण में डाली, अब उसके बाद किसी और ने लिख दिया कि ये तो हम तो इस पे इससे भी बहुत अच्छे रिजॉर्ट में रहते, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो फिर आपको आएगा कि अब मेरे अंदर क्रिटिसिज्म आ रहा है, कंपैरिजन आ रहा है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। पर दूर कैसे रहोगे, आप तो फंसे ना उसमें। तो निराकारी सो आकारी जो है स्थिति, उसमें ये दोनों चीज़ें हम नहीं करते। शरीर के आधार से हमने कुछ एक्वायर किया है, उसको हम एन्जॉय भी नहीं करते और हम उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको भी नहीं सहते। क्योंकि ये जो सारा संसार है, इसमें जितनी भी प्राप्ति है, आज कोई विशेषता भी है, आपको अपनी विशेषता क्यों अच्छी लगती है, जब आप अपने ग्रुप में सबसे विशेष हैं। वही विशेषता दुख कब देती है, जब आपसे विशेष कोई और आ जाता है ना। विशेषताओं पे खुश ना हो। नहीं, तो वो स्थिति जो है वही एक रस हो सकती है। अगर आप अपनी विशेषता में रस नहीं ले रहे, आप उस विशेषता को यूज कर रहे हैं, सेवा में लगा रहे हैं, जैसे आज बाबा ने कहा ना, आत्मा कर्म बंधन में ना आए, कर्म संबंध में आए, तो वो स्थिति ठीक है। मेरे अंदर कोई विशेषता है, मैं उसको सेवा में लगा रही हूँ, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। लेकिन जहाँ उससे मैं रस लेने लगी हूँ, उस विशेषता को यूज़ करके जो प्रशंसा आई, जो मान मिला, है
जो धन आया उसमें जब मेरी बुद्धि फंस गई है तो मैं कर्म बंधन में आ गई, है ना। तो फिर क्या होता, फिर हम फरिश्ता बन के कर्म नहीं कर रहे, फरिश्ते भी कर्म करते हैं ना, फरिश्ता स्थिति कर्म से न्यारी नहीं है। हम फरिश्ता माना उपराम होके कर्म नहीं कर रहे, हम लिपायमान होके कर्म कर रहे। और लिपायमान होके कर्म करेंगे तो फिर हम खेल में पड़ जाएंगे, मान अपमान सुख दुख हानि लाभ निंदा स्तुति, वो तो दोनों आएगा। तो बाबा इसीलिए कहते ये जो देह अभिमान है ना, ये मेरा गुण है, ये मेरी विशेषता है, ये मेरा टैलेंट है ना। और फिर वही चीज़ आपको कल दुख देती है, क्योंकि पहले आप उसके भान में फंसते हैं, आप उस कर्म बंधन में आते हैं। समझ आई बात? ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है जो आज बाबा समझा रहे बहुत हैं। इम्पॉसिबल सी लगती हैं चीजें, मतलब बहुत डाइजेस्ट नहीं होती, अभी नहीं होती। हाँ, तो देखो अभी डाइजेस्ट नहीं हुई लेकिन अंदर गई ना, आपने खाया तो ना, डाइजेस्ट तो नहीं हुआ, कल डाइजेस्ट भी होगा, है ना। जैसे आज की जेनरेशन को घी भी खिलाओ तो पहले डाइजेस्ट नहीं होता ना, फिर थोड़ा थोड़ा खाएं तो डाइजेस्ट होने लगता है, लेकिन नहीं खाएंगे तो ताकत कैसे भरेगी, है ना। तो बाबा कहते ऐसे ही ये भी जो चीज़ है यही शक्तिशाली है, लेकिन शुरू शुरू में डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा में बहुत दूर आ गए हैं देही अभिमानी स्थिति से। लेकिन धीरे धीरे आप जब इसको, और डाइजेस्ट कैसे होती है कोई भी चीज़, चर्निंग, जब आप बार बार सोचेंगे ना तो आपको प्रैक्टिकल लगने लगेगी। मुझे याद है मुझे जब पहली बार बोला गया कि आप 30 जनों का भोजन बनाओ, ब्रह्मा भोजन 30 उंगली, तो मैंने उससे पहले 2 से ज़्यादा का कभी भोजन नहीं बनाया था, 2 वॉज द मैक्सिमम। तो जब 30 बोला गया ना, मेरे को हार्ट अटैक आ गया, मतलब इट वॉज लिटरली कि 30 30 कैसे, 30 तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे ये बात बता दी गई थी 15 दिन पहले, 15 दिन बाद ब्रह्मा भोजन बनाना है, तो 15 दिन पहले बता दिया गया 30 जनों का। तो फर्स्ट डे आई हैड अ हार्ट अटैक, फिर मुझे बोला गया अभी रुको थोड़ा, स्लीप ओवर इट, कि अभी उसको ना थोड़ा समाओ अंदर। तो फिर मैंने चर्निंग शुरू की कि अच्छा ठीक है, पर 2 x 15 है तो इतना ये लगेगा, उतना वो लगेगा, अच्छा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 7 8 डेज में मैं मेंटली रेडी हो गई थी। एंड देन जब फर्स्ट ब्रह्मा भोजन बनाया तो 30 का बनाया और वो हुआ। तो कैसे, क्योंकि जब बाबा आपको ऐसे तैयार करता है, पहले आपको एक आइडिया देता है जो आपको सीमिंगली बहुत इम्पॉसिबल लगता है, फिर आपको कहता है अब इस पे विचार सागर मंथन करते रहो, फिर आप मंथन करते 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 वो आइडिया आपको बिलीवेबल लगने लगता है, फिर वो डुएबल लगने लगता है, फिर वो एकदम प्रैक्टिकल लगने लगता है। ऐसे ही तो हम आते हैं ना ज्ञान। तो इसीलिए जब बाबा हमें कोई नई चीज़ कहता है ना, तो बाबा को मालूम होता है कि वो जो कह रहा है तो बच्चे का क्या हाल हो रहा है, लेकिन वो फिर भी जैसे इंजेक्शन होता है ना, तो इंजेक्शन जब जाता है तो दर्द देता है लेकिन दवाई हील करती है ना, तो ऐसे इंजेक्शन की तरह, इसलिए बाबा कहते ज्ञान इंजेक्शन है। तो बाबा लगा के छोड़ देता है, फिर वो अपना काम करते रहता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो निरहंकारी स्थिति है जहाँ पर हम देह और देह की विशेषताओं के भान से बिल्कुल फ्री हैं, है ना, जहाँ हम अपने मैं हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछती हूँ, ये जो तुम ऐसे बैठते हो कॉन्फिडेंस से, इस कॉन्फिडेंस में पीछे क्या है? हर व्यक्ति में जो कॉन्फिडेंस है
उसके पीछे क्या है, कोई ना कोई देह अभिमान है, देह अभिमान ही है ना। आज आप देखो, जब जिस चीज के बूते पर आप बैठे होते हो वो जब थोड़ी ठीक नहीं होती तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। वो जो आप स्ट्रेट और कॉन्फिडेंट बैठते हो ना, उसके पीछे आपका बैक रेस्ट कुछ और चल रहा है, फिर वही बैक रेस्ट कल कमर तोड़ भी देता है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर कभी कमर नहीं तुड़वानी है तो फिर उसको छोड़ो, और निराकारी आकारी स्थिति जो कि बहुत शक्तिशाली स्थिति है, निराकारी आकारी स्थिति कोई कमजोर स्थिति नहीं है, बहुत शक्तिशाली स्थिति है, जो आप देह अभिमान से कर सकते हो उससे पदम गुणा ज़्यादा आप निराकारी आकारी स्थिति में कर सकते हो, क्योंकि उस स्थिति में तो आपके साथ बाप की मदद होती है, आप बाबा के साथ कंबाइंड होते हो। लेकिन उस स्थिति में हम एकरस रहें उसके लिए पहले इसके आकर्षण को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब इजी लगता है ना कि इससे इजीली हो रहा है तो वहाँ क्यों बैठे, तब हम उस आकर्षण में बह जाते। तो ये पहली चीज़ आज बाबा समझाते हैं, और बाबा कहते अगर हम निराकारी आकारी स्थिति में रहें तो हम कर्म बंधन में नहीं, कर्म संबंध में आएंगे। हम हर कर्म करेंगे लेकिन संबंध दुख नहीं दे सकता, बंधन दुख देता है, लेकिन हमें दुख का भागी वो कर्म नहीं बना सकता, कर्म में वो पोटेंशियल निकल जाएगा, ठीक है ना। ये है। फिर प्यारे बाबा आज हमें निर्माणता के बारे में भी कहते हैं, पर 2 दिन हो गए हम समझ रहे हैं तो आज क्या कर्म बंधन संबंध माना। जैसे जब मैं कर्म में आ रही हूँ, अगर मैं देह अभिमान के आधार से आ रही हूँ तो वो कर्म कल मुझे दुख भी देगा, है ना। जैसे अगर मैं आज सोचती हूँ कि मेरी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है इसीलिए मैं बहुत काम कर पाती हूँ, तो कल फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं रो रो के काम करूँगी, वो जो देह भान है वो मुझे कल रुलाएगा भी। लेकिन अगर मैं समझती हूँ कि मैं तो आत्म शक्ति परमात्म शक्ति से कार्य कर रही हूँ, तो चाहे फिजिकल हेल्थ ठीक है नहीं है वो मुझे दुख नहीं दे सकता, वो कर्म मुझे दुख नहीं दे सकता, समझे। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि एक तो निर्माणता महानता को भी बाबा ने समझाया। फिर बाबा कहते हैं अभी तीव्र गति की सेवा चाहिए, है ना। और तीव्र गति की सेवा में बाबा कहते हैं वाणी की सेवा भी करते हो, मनसा भी करते हो, सब करते हो, लेकिन अब वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा करनी है। और बाबा बाबा को भी पता है कि जो वाइब्रेशन समझना बहुत मुश्किल है, तो बाबा आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई उल्टी वाइब्रेशन आपने कभी फील की है तो वो शब्द भी आप भूल जाते हैं लेकिन वो वाइब्रेशन आपको याद रहती है ना। जैसे मुझे एक माता बताती थी कि उसके उसके जो जब शादी हुई तो जो शुरू शुरू की लाइफ थी उसमें ससुर बहुत डोमिनेटिंग होते थे, तो वो कहती कि जैसे हम मैं उनके कमरे में जाती कोई काम से या उनको भोजन परोसती तो हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई गलती तो नहीं हो गई, ये डांट तो नहीं देंगे, ये वो बर्तन भी फेंक देते थे, चिल्ला भी देते थे, तो ऐसे वो जो कर्म थे। तो कहती अब मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, अब मेरे ससुर भी बहुत बदल गए हैं, ऐसे वो भी नहीं है, उनकी भी नेचर में बहुत चेंज आया है। लेकिन कहती है और मुझे अगर आप प्रैक्टिकली पूछो तो मुझे कोई एपिसोड वाइज याद भी नहीं है कि उन्होंने ये किया या वो किया या ऐसा किया, लेकिन आज भी जब मैं उनको खाना परोसती हूँ तो मेरे हाथ पैर कांपते हैं, और आज भी जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये कि कुछ हो ना जाए, कुछ गलती ना हो जाए। तो कहती कि मुझे और अदरवाइज मैं एक बीके हूँ, मैं अच्छा सब ज्ञान समझती हूँ,
मेरे अपने कॉन्फिडेंस लेवल में भी बहुत इजाफा है, लेकिन उस पर्टिकुलर केस में पता नहीं क्या होता है कि वो वाइब्रेशन जो है वो मुझे तंग करते हैं। तो आप सोचो कि जब आप एक वाइब्रेशन को फील किए होते हैं, है ना, आप वाइब्रेशन समझते हो ना, जो कह नहीं रहा कुछ करने रहा, लेकिन वो वायुमंडल में जो टेंशन होती है उसको जब आपने फील किया होता है, तो आप उस टेंशन को उस आत्मा के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। फिर चाहे आप दोबारा उनके सम्मुख जाए जब वो बदल चुके हैं, या आप स्मृति से भी याद करें, तो वो वाइब्रेशन आपको दुख दे पाते हैं, है ना, जबकि उनके बोल भी भूल चुके हैं, सब भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको वाइब्रेशन दुख दे पाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा है तो फिर जब आपके वाइब्रेशन और वायुमंडल, स्थिति और स्थान दोनों इतने श्रेष्ठ बन जाएं, तो कोई आत्मा जब आएगी तो भले ही वो भूल जाएगी कि मैंने वहाँ क्या सुना या क्या पढ़ा, लेकिन वो याद रखेगी मुझे वहाँ कैसा महसूस हुआ था, है ना। मुझे याद है एक कुमार आता था, बहुत शुरू शुरू की बात है, तो एक कुमार भाई आता था, तो उसको ना बाद में तहसील की जॉब, तहसीलदार बन गया वो, उसने PSC क्लियर कर लिया। तो वो लगभग 10 दिन आया होगा, तो शुरू शुरू में ना वो आता और मुझे कहता आप ना कमेंट्री कराओ, मुझे बहुत रिलैक्स लगता है। तो वो कमेंट्री में कराती थी, फिर वो बहुत सारे साइंस के सवाल पूछता था, तो मैं भी बहुत नई नई, मैं आपको बता रही हूँ जब सेवा को 1 वर्ष भी नहीं हुआ था, तो वो मुझे बहुत सारे साइंस के सवाल पूछता, तो मैं उसको कहती मैं आपको किताब दे दूँगी आप पढ़ लेना, अभी आप ना सिर्फ जो भगवान दे रहे हैं वो महसूस करो। तो बस वो ऐसे चला, 10 दिन के बाद उसने, उसकी जॉब लग गई, उसने खुशखबरी दी और वो चला गया। फिर उसने मुझे 6-7 वर्ष के बाद फ़ोन किया एक बार, और मुझे कहता कि मैं ना आज तो मैं मुझे मुझे याद था, उसका नाम भी याद था, सब याद था। तो फिर मुझे कहता कि आप मुझे भूल गई होंगी, मैं ये हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे याद है आप आते थे, आपकी फिर जॉब लगी थी, फिर आप नहीं आए। तो मुझे कहता कि मैंने ना कल सपने में जब मैं सो रहा था, तो मैंने सपने में ऐसे देखा कि वही आप बैठे हो, वही मैं बैठा, और वही कमेंट्री चल रही है, और मुझे वही रिलैक्सेशन की वो फीलिंग जो मुझे 7-8 वर्ष पहले आई थी वो मुझे आई। तो मुझे ये लगा मैं आपको फ़ोन करता हूँ। और मैंने फ़ोन किया और ये मेरा नंबर है और आप सेव करना, मेरे पास नंबर था। तो फिर वो उस वहाँ से वो फिर कांटेक्ट किया। तो आप सोचो कि एक वाइब्रेशन कितनी बड़ी चीज़ होती है ना, कि कोई आत्मा याद भी करे, कभी स्वप्न में भी आ जाता है तो आपको दोबारा से वो फीलिंग आ जाती है, वो इट टेक्स यू बैक, वो 7 इयर्स बैक उसको वो बात ले गई। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी हमें वो वाइब्रेशन बनानी होगी, है ना, और यही काम करती है। लेकिन वो बनेगी कैसे, तो बाबा ने बहुत अच्छी हमें आज विधि बताई कि अगर कुछ भी किसी के प्रति भी व्यर्थ दिल में रखा होगा, तो फिर आपकी वाइब्रेशन प्योर नहीं हो सकती, कुछ भी किसी के प्रति भी, क्योंकि वृत्ति एक ही है, दो तीन वृत्ति तो है नहीं ना, एक ही है। उस वृत्ति में अगर एक के प्रति भी कुछ व्यर्थ या नेगेटिव रखा है, तो उस वृत्ति से फिर वो शुभ और शुद्ध पास नहीं होता, है ना। तो किसी के प्रति भी कुछ व्यर्थ रखा है तो वो जो रखा है ना, उस कारण से वो वाइब्रेशन नहीं बनते, अदरवाइज उस वाइब्रेशन से वैसे ही सेवा हो जाएगी, है ना। जब मधुबन एक बार रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई, तो साधु संतों का बड़ा ग्रुप आया था,
तो एक संत ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं जब प्रकाशमणि दादी जी के बाजू में बैठा था तो मैंने वो वाइब्रेशन का अनुभव किया जो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं किया। बस आपकी प्रेजेंस से भी वो फीलिंग आएगी ना, और व्यक्ति को लगेगा कि ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया। वो तो संत है ना, वो डिटेक्ट कर पाते हैं ना उनको। हम लोग क्या होता है कि जैसे नेगेटिव वाइब्रेशन को भी इतना और परख नहीं पाते ना, क्यों? क्योंकि दूषित है ना आत्मा। लेकिन अगर पवित्र है तो आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को बहुत अच्छा परख पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ये एक संत का अनुभव है क्योंकि उसको तो एहसास तो होता है ना, तो ये वाइब्रेशन का असर होता है। लेकिन बाबा कहते हैं उसका पुरुषार्थ बहुत इंडिविजुअल और बहुत इजी है कि अपने अंदर जो भी व्यर्थ वाइब्रेशन किसी के भी प्रति रखी है उसको अभी स्वाहा कर दो ना। और बाबा कहते हैं स्वाहा करने में जो बातें आती हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही सोचेंगे ना। हाँ हमेशा किसी को लगता है किसी से मिलके अभी देख के कि नहीं इसके ना नहीं इससे मिलके अच्छा लगता है, इसके वाइब्रेशंस अच्छे नहीं लगते, या वो भी कि वो हमें सिर्फ सोच होती है। देखो, इसमें दो बातें हो सकती है। आपके आईने में इमेज ठीक नहीं आ रही तो इमेज भी खराब हो सकती है, आईना भी गंदा हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। लेकिन अगर आपका आईना क्लीन है तो आप श्योर हो सकते हैं कि इमेज ठीक नहीं। इसीलिए किसी और की वाइब्रेशन को भी डिसर्न करने के लिए आपके अपने अंदर कंप्लीट प्योरिटी होनी चाहिए। अगर मेरे अंदर मिक्स है तो कई बार तो हम प्रोजेक्ट ही करते रहते हैं कि उसके से आ रही है पर आ अपने से रही होती है क्योंकि मैंने, जैसे अगर मैंने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति, किसी दूसरे के प्रति भी, मानो उसी इंडिविजुअल के प्रति नहीं, लेकिन मैंने अपनी वृत्ति में किसी और के प्रति धारण किया हुआ है कि दुनिया में तो बहुत धोखेबाजी होती है। अब मैं किसी और के कर्म देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ये भी ठगी के इरादे से आया है, लेकिन वहाँ पर मेरी अपनी वृत्ति का प्रोजेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर मेरे अंदर बिल्कुल क्लीन है तो मुझे पता चलेगा कि ये इसके अंदर क्या संकल्प चल रहे हैं या क्या है। लेकिन आज के समय में मैं नहीं समझती कि कोई भी ये क्लेम कर सकता है कि मेरे अंदर कोई भी ऐसी वृत्ति नहीं है। अगर उतना पुरुषार्थ नहीं किया है तो आपको ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि वो अपना प्रोजेक्शन भी हो सकता है, वो उसकी बात भी हो सकती है। फिर उस समय में आपको 95% ट्रस्ट वाला रूल अपनाना पड़ेगा कि 95% अपनी विजिलेंस, 5% विजिलेंस रखो और 95% ट्रस्ट से चलो। कई लोग के लिए बहुत पॉजिटिव लगती है कि इससे मिलके, अरे ऐसा लगता है कि भले वो फ्रेंड हो फैमिली, पर ऐसा लगता है कि दैट पर्सन इज गिविंग मी वेरी गुड वाइब्रेशंस। लेकिन कई बार फिर वही होता है कि 10 साल के बाद कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला इतने पॉजिटिव लगते थे और उन्होंने ही, है ना। क्योंकि दुनिया में वो यही होता है कि बहुत भी ज़्यादा कोई मीठा होता है तो हमें ऊपर के उसमें भी हम फंस जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि कारण क्या है। जैसे मुझे एक माता कहती थी, मेरी बहन मौसी है मेरे बच्चों की, लेकिन वो जैसे बेटा बोलती है ना दीदी, मैं तो नहीं बोल सकती। लेकिन वो जो बेटा बोल रही हूँ नुकसान बहुत कर रहा है मेरे बेटे को क्योंकि वो सारी उसकी सुनता है और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है, है ना। तो ये भी कई बार होता है कि हमें पूरी क्लीनलीनेस अपने अंदर नहीं होती तो हम जान नहीं पाते मतलब ना। उसके इरादे ठीक नहीं, उन्होंने कैसे भाप लिया कि उसके नहीं, इरादे वो ठीक तो नहीं। क्योंकि वो जैसे उनका शराब का बिजनेस है तो उसमें इन्वॉल्व करती है, तो वो वाले जो चीज़ें हैं ना कि अब वो चाहती है कि मेरे मेरे अपने बेटे नहीं है तो ये लोग
संभालें या करें, तो वो सारी चीज़ें, तो वो तो उसने रीजंस बताए तो हमें मालूम है, समझे ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें देखनी होती है कि वाइब्रेशन जो अंदर हमारे है। अब बाबा आज कहते हैं कि आज ये प्रण करें कि हम समाप्त करेंगे उन वाइब्रेशंस को, स्वाहा करेंगे, है ना, स्वाहा करेंगे, हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। ग्रजेस तब खत्म होंगी जब हम, एक बहुत अच्छी कहावत है, वेन द वाई इज क्लियर द हाउ इज ईजी, है ना। तो पहले हमें ग्रज क्यों खत्म करनी है, क्योंकि मैं आत्मा परमात्म इंस्ट्रूमेंट ना बन पाऊँ ऐसी कोई चीज़ मुझे अपने अंदर नहीं रखनी। मैं किसी और के लिए ये नहीं कर रहा, मुझे अपने आप को इतना क्लीन बनाना है कि शिव बाबा मेरे थ्रू काम कर सके। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि नॉलेजफुल होने में प्रॉब्लम नहीं है। मानो आपको जैसे अब उस आत्मा के लिए अनुभव से आपको मालूम है कि इसके अंदर ये बात है, बाबा कहते भले ही वो आपको ज्ञान है कि ये राइट है ये रॉन्ग है, ये वृत्ति इसके अंदर है या कुछ है, अनुभव से भी पता है, लेकिन उसको आप अपनी वृत्ति में धारण नहीं करो, आप अपने दिल को मैली नहीं करो, है ना। तो बाबा कहते हैं समझना अलग चीज़ है, समाना माना दिल में रख के अपने को मैला करना अलग चीज़ है, और समाप्त करने की जो बाबा श्रीमत देते उस पे हमें चलना है कि हमें ज्ञान है उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उस बात को अपने दिल से समाप्त कर दूँ। मतलब अपने लिए करो, अपने लिए, हाँ अपने लिए, क्योंकि वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञानी मीन्स एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। ज्ञान इज enlightened self-interest. You are selfish in an enlightened way. ज्ञान is very selfish. आप जो करते हैं अपने लिए करते हैं, बाबा कहते हैं आप राजधानी भी अपने लिए बनाते हैं, लेकिन ये वो selfish नहीं है जो किसी को harm करता है, ये वो selfish है जो अपने को benefit करता है और consequently दूसरे को भी। तो ज्ञान इज एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट बेसिकली, ठीक है ना। ओके, ओम शांति।